हेलो स्टूडेंट। तो बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देखिए आज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन रॉ मटेरियल होगा, डाटा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम एलपीपी फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो आपने सीख ही लिया है, जो पिछले आपका लेक्चर हुआ है उसमें आपने क्या किया है, एलपीपी को सॉल्व करना सीखा है। लेकिन आज क्या करेंगे, उसको फॉर्मुलेट भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो फॉर्मुलेशन का काम मैं कर दूंगा, सॉल्व आप खुद कर लेंगे। देखिए जो एलपीपी है यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है बेटा, वो आपको थ्री टाइप से मिलती है। नंबर वन तो होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, और नंबर टू होती है डाइट प्रॉब्लम्स, और नंबर थ्री होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये तीन टाइप की आपको मेनली प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है। जो बाकी अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इन्हीं के अंदर से मिक्स होकर मिल जाता है। तो फर्स्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी वो सॉल्व करेंगे, फिर डाइट प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगी। तो स्टार्टिंग में हम जो टॉपिक करेंगे आज वो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप 12.2 की एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन है, पहले आप वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप पहले सोल्व करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं सोल्व कर देता हूं, बाकी आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम्स इन इट्स मेकिंग, व्हाइल अ क्रिकेट बैट टेक 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम्स। में क्या बोला गया है बेटा, तो फैक्ट्री है वो टेनिस रैकेट और जो क्रिकेट बैट्स हैं वो बनाती है। टेनिस रैकेट के लिए मशीन पे 1.5 आवर की रिक्वायरमेंट है और क्राफ्टमैन के लिए 3 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही क्रिकेट बैट के लिए मशीन पे 3 आवर्स की रिक्वायरमेंट है और क्राफ्टमैन की 1 आवर की रिक्वायरमेंट है। इन अ डे फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन। जो मशीन की अवेलेबिलिटी है ना वो क्या है बेटा, 42 आवर्स आगे ना उसके पास एक कंडीशन, ठीक है, एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन, और क्राफ्टमैन की कंडीशन 24 आवर्स, यानी कि जो क्राफ्टमैन के आवर्स वो 24 मैक्सिमम रहेंगे और मशीन के जो आवर्स है वो बेटा वो 42 रहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स और आपके बैट्स निकालने, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन बैट इज ₹20 and ₹10 रिस्पेक्टिवली। जो रैकेट पे ₹20 का प्रॉफिट हो और बैट पे ₹10 का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना बेटा, ठीक है। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट तो अपने आप ही हो जाएगा जब आप सेकंड पार्ट की तरफ एक थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो प्रॉफिट कितना बेटा, रैकेट पे है ₹20, ठीक है जी, और बैट पे है ₹10। इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तो नंबर ऑफ रैकेट्स और नंबर ऑफ बैट्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देता हूं, आप लोग वर्डिंग खुद लिखेंगे बेटा। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ बैट्स। सिंपल सा फर्स्ट स्टेप, आप टोटल क्या करते हैं, एक्स तो क्या करेंगे रैकेट बनाएंगे और वाई क्या करेंगे बैट बनाएंगे, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ बैट्स। अब देखिए बेटा इसके बाद जो कंडीशन चलती है उन पे बात करते हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वर्डिंग आप लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन वन रैकेट इज ₹20 एंड प्रॉफिट ऑफ वन बैट इज ₹10। हमने क्या किया बेटा, x बैट लिए हैं तो
एक्स बैट पे प्रॉफिट कितना होगा, वन बैट पे 20 है तो एक्स पे आया 20x, ठीक है। ऐसे ही हमने वाई एक्स, तो हमारे पास रैकेट थे वन रैकेट पे 20 है, ऐसे ही वाई क्या थे हमारे पास, नंबर ऑफ बैट्स थे, वन बैट पे 10 रुपीज का प्रॉफिट है तो 10 पे कितना होगा, सॉरी वाई पे कितना होगा, 10y, वन पे 10 रुपीज का है तो हमने टोटल वाई बैट बनाना है ना बेटा, तो ये होगा 10y, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वर्डिंग आप लिखेंगे बेटा, जो मैंने वर्डिंग अभी आपको बताई है कि प्रॉफिट ऑन वन रैकेट इज 20 रुपीज, सो प्रॉफिट ऑन एक्स रैकेट इज 20x, प्रॉफिट ऑन वन बैट इज 10 रुपीज, सो प्रॉफिट ऑन वाई बैट इज 10y, सो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड हो गया, जेड इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमें किसको मैक्सिमाइज करना है भाई, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ये जेड आ गया, जेड का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ये फर्स्ट स्टेप तो आपके पास ये रहेगा बेटा, सिंपल सा स्टेप चलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप ये। अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे, ये वर्डिंग आप लिखते जाएंगे, दोबारा से बोल रहा हूं, जो बातें मैं बोल रहा हूं अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। अब देखिए, अब हम करेंगे कॉन्स्टेंट्स, जो कॉन्स्टेंट्स थे उनकी फॉर्मेशन करेंगे, कंडीशंस। तो यहां पे अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ये कंडीशन ये किसके लिए है, मशीन के लिए, ठीक है, मशीन के लिए थी बेटा ये, वो तो आपकी क्राफ्टमैन के लिए थी। तो पहले मशीन को देखते हैं, एक तो मशीन के लिए 1.5 आवर्स और दूसरा मशीन के लिए ये 3 आवर्स, ये मशीन वाले लेते हैं पहले। अब देखिए ये 1.5 आवर्स किसके लिए है, वन टेनिस रैकेट के लिए, अगर आप वन टेनिस रैकेट प्रिपेयर करेंगे तो 1.5 आवर लगेंगे, बट हमें तो कितने करने हैं, एक्स करने हैं, तो कितने होंगे 1.5 इंटू एक्स आवर्स, इस टाइप से बेटा, है ना। ये आप लिखेंगे नंबर्स ऑफ आवर ऑन मशीन टू प्रिपेयर वन रैकेट इज 1.5 आवर, सो नंबर्स ऑफ आवर प्रिपेयर टू एक्स रैकेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू एक्स, ठीक है भाई। ये तो किसपे हो गए, रैकेट्स पे। अब हमसे बैट के ऊपर, अब वन बैट नीड 3 आवर्स ऑफ मशीन, सो वाई बैट नीड 3y आवर्स ऑन मशीन, ये बेटा। तो ये मशीन पे हो गए टोटल आवर्स, मशीन पे क्या हो गए, ये टोटल आवर्स, ठीक है, 1.5x प्लस 3y। अब टोटल आवर्स मशीन के दे रखे थे ना कि 42, मैक्सिमम 42 हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 42, ये बेटा। तो आपको मिल गया 15x, ये वो सॉरी 1.5x, इस टाइप से 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42, ये आपके पास है। अब देखिए सेकंड कंडीशन आते हैं, किसके लिए थी सेकंड कंडीशन, क्राफ्टमैन हावर्स के लिए। तो क्राफ्टमैन हावर्स के लिए अगर हम टेनिस पे आए तो टेनिस के लिए वन टेनिस के लिए 3 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी, है ना, बट टेनिस तो हमारे पास एक्स है तो क्या हो जाएगा 3x, इस टाइप से। ऐसे ही अगर क्राफ्टमैन के हावर की बात करें तो वन बैट के लिए 1 आवर की रिक्वायरमेंट है, बट बैट तो हमारे पास वाई है तो ये हो जाएगा 1 into y। टोटल हावर्स कितने थे क्राफ्टमैन के, 24, तो ये लेस देन इक्वल टू 24 हो जाएगा, इस टाइप से, ये बेटा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए एनपीपी की फॉर्मेशन आपके पास हो गई, ठीक है ना। अब जेड को मैक्सिमम करना है तो जेड को मैक्सिमम करेंगे तो एक्स और वाई निकलेगा, एक्स क्या है नंबर ऑफ रैकेट्स और वाई क्या है नंबर ऑफ बैट्स, तो नंबर ऑफ रैकेट्स और नंबर ऑफ बैट्स तो अपने आप ही आ जाएंगे, फर्स्ट पार्ट तो हो ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वही मेथड बेटा जो आप पहले कर चुके हैं, आपको आता है, ठीक है ना, ये बात आपको पता है कि कैसे करना है। तो लास्ट में हम लिख लेते हैं, अब क्या लिख लेते हैं, हेंस एल पी
पी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज जेड इज इक्वल टू 20x प्लस 10y एंड कॉन्स्टेंट्स आर तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कॉन्स्टेंट्स आपके पास है 1.5 अगर आप 3 से कैंसिल करें तो कैंसिल कर सकते हैं बेटा 3 से कैंसिल करें ये 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42 है तो 3 से करें तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये हो जाएगा 0.5 प्लस y लेस देन इक्वल टू 14 ये लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं ये हो गया 5/10 5/10 1/2 तो 1/2x कर सकते हैं 1/2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 14 और सिंप्लीफाई करना चाहें तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 28 ये बेटर रहेगा फ्रैक्शन नहीं है ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट तो ये है सेकंड आपके पास है 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24 तो ये मैंने फॉर्मूलेशन कर दिया एलपीपी की सॉल्व आप कर लेंगे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये राज ये आपके पास टू कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव तो चलेगी चलेगी ये बेटा क्योंकि किसी का भी प्रोडक्शन करेंगे तो क्या हो सकता है बेटा जीरो जीरो से नीचे प्रोडक्शन जाएगा नहीं तो इस एलपीपी को आप सॉल्व कर सकते हैं ये फॉर्मूलेशन होगी इस टाइप से क्या करा बेटा आपके पास गिवन प्रॉब्लम है ठीक है तो उससे एलपीपी फॉर्मेशन करेंगे फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्मेशन भी आपको करनी है और सॉल्व भी आपको करना है तो 6 मार्क्स में मिलते हैं बेटा अगर सिर्फ सॉल्व करने वाला आता है तो 4 मार्क्स का है जब फॉर्मेशन भी आप करेंगे और सॉल्व भी करेंगे तो क्वेश्चन 6 मार्क्स में मिलेगा।